आज विधानसभा में बयान दिया बताया कि सीबीआई क्या कर लेगी, सीबीआई की जांच कराने की कोई तुक नहीं है। और सीबीआई की जांच कराने की तुक इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट दे दी है और हर पेपर में जो भी दोषी हैं उसमें मंत्री हैं, एमएलए हैं, बड़े अधिकारी हैं, डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इसमें दोषी रहे, जिनको एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। इसलिए राज्य की किसी एजेंसी को भरोसा नहीं है। एकमात्र विकल्प बचता है सीबीआई से जांच किया जाना, क्योंकि इसमें सरकार की दखल है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे दखल कर रहे हैं, उनके एमएलए मंत्री तथा सीएमओ के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जिन पर आरोप लगाए थे वो निश्चित रूप से फंसेंगे। स्थिति यह भी हो सकती है सरकार धराशायी हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी आनाकानी कर रहे हैं। और मैं जिन बच्चों को धरने पर लेकर बैठा हूँ उन वह भी मुख्यमंत्री जी को आपत्ति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना मेरा और उन बेरोजगारों का अधिकार है जो पेपर लीक से पीड़ित हैं।